इस सीजन की दो टॉप टीम राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगा घमासान। रॉयल्स के साथ एक दशक की पारी खेल चुके कप्तान संजू सैमसन ने शेयर किया छोटे फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी का राज। There is only one intent in an IPL in this format actually. You just have to go and look for boundaries. You just have to show that intent. You have to look for those sixes. You have to do that impact role जितना जल्दी हो सके। वहीं युजवेंद्र चहल ने एवेंजर्स टेस्ट में सामना किया सवालों की बाउंसर्स का। कैप्टन अमेरिका विल गो विद जोश पर। क्यों? वैसे स्मार्ट है, दिखते वैसे ही। नहीं थी हमारी फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन की अपनी पांचवी जीत दर्ज कर ली है और आज इनका सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से इन अ टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। और ऑफ कोर्स आपके लिए सारी अपडेट्स लेकर हाजिर है हम। हेलो एंड वेलकम टू हल्ला बोल, आपका वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स राजस्थान रॉयल्स। तो शो शुरू करने से पहले नजर डालते हैं इस सीजन रॉयल्स के प्रदर्शन पर। रॉयल्स ने शुरुआत में लगाया जीत का चौका और फिर झेली सीजन की पहली हार। उसके बाद रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात देकर दर्ज की सीजन की अपनी 5वीं जीत और आज उनका सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से। टॉप ऑफ द टेबल क्लैश में आज हमारी फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स का सामना है कोलकाता नाइट राइडर्स से और रॉयल्स आए कोलकाता अपने ही अंदाज में। पर आज स्पॉटलाइट होगी कैप्टन संजू सैमसन पे जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ 10 साल पूरे किए। लेट्स गो ऑन द रोड विद संजू और सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। I started playing for RR when I was 18 and that was 2013. Like I've been playing IPL for last 10 years or something. I played around 100-200 games. So all that experience, all that matches tells me ki there is only one intent in an IPL in this format actually. You just have to go and look for boundaries. You just have to show that intent. You have to look for those sixes. You have to do that impact role jitna jaldi ho sake. Because 20 over ka game hai. Each and every over is 5% of the game. So you just can't say ki bhai mere ko settle hone ke liye time chahiye. Main 10 run ke baad chakke marunga. नहीं तो मैं अभी इस बॉलर को नहीं मारता, मैं लास्ट में मारता हूँ। तो यू देर इज़ नो इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ स्कोरिंग रन इन दिस। आई थिंक देर इज ओनली वन वे, यू जस्ट गो एंड डोमिनेट एक्चुअली। इफ यू डोंट डोमिनेट यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू गेट आउट एंड योर टीम मेट्स टू गो एंड डोमिनेट। सो इफ एवरी वन डजन डोमिनेट यू लूज द गेम। सो देर इज नो सेकेंड गियर, देर इज ऑलवेज गोइंग 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 इज वॉट माई बिलीफ इज अबाउट T20। लाइक आई वुड लाइक टू डेफिनेटली से दैट myself and the whole team and the whole franchise have been receiving lots and lots of love and support from Rajasthan and like throughout the world. I think I kept on traveling from lot of places this time with the Indian team, so I could see a bit more of pink jerseys being a bit more around the fans. So I think that's a great sign for us as a players and as a franchise. So yes, just keep supporting and we will definitely try our best to bring some smiles and happiness to your face and houses painted pink this time. Thank you so much. Eden Gardens में आज होगा महामुकाबला क्योंकि इस सीजन की दो टॉप टीम्स होंगी आमने सामने, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और कौन से की बैटल्स पे होगी सबकी नजर, आइए देखें। राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट की अपनी 6वीं जीत की तलाश में है लेकिन आज उनके सामने अपने गढ़ में चुनौती बनकर खड़े हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों का अब तक IPL में 28 बार सामना हुआ है जिसमें रॉयल्स ने 13 बार बाजी मारी है। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल अपनी टीम को धुआंधार शुरुआत देना चाहेंगे। यशस्वी अभी तक इस सीजन बड़ा स्कोर नहीं बना सके हैं। यशस्वी इस सीजन 3 बार लेफ्ट आर्म पेसर्स के शिकार बने हैं। मिडिल ओवरों में कप्तान संजू सैमसन को जरूरत होगी KKR के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण का तोड़ ढूंढने की। नारायण ने 13 T20 इनिंग्स में सैमसन को 3 बार अपनी गेंदों पर चलता किया है और नारायण के सामने होगी ट्रेंट बोल्ट की तेज रफ्तार की चुनौती। बोल्ट ने सुनील नारायण को T20 की 2 इनिंग्स में 2 बार ग्राउंड से बाहर का रास्ता दिखाया है। मिडिल ओवरों में KKR कप्तान श्रेयस अय्यर की टक्कर हो सकती है चतुर चपल युजवेंद्र चहल से।
श्रेयस और चहल की टक्कर 10 बार हुई है, जिनमें चहल सिर्फ एक बार श्रेयस को आउट कर सके हैं। तो आज टेबल टॉपर्स की लड़ाई में किसे मिलने वाली है जीत? क्या केकेआर अपने घर पर अपना दबदबा कायम रखेगी या राजस्थान रॉयल्स बिगाड़ेंगे केकेआर की पार्टी? सारे जवाब मिल जाएंगे आज। आज के हल्ला बोल के एपिसोड में बस इतना ही। आप अपने व्यूज और ओपिनियंस सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलिएगा यूजिंग #हल्लाबोल। हम आपसे मिलेंगे राजस्थान रॉयल्स के अगले मैच डे पर सुबह 8:30 ऑन द स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। और साइन आउट करने से पहले स्पॉटलाइट डालते हैं युजवेंद्र चहल पे, जो कर रहे हैं बाउंसर्स का सामना हमारे एवेंजर्स टेस्ट में। राइट, सो युजी, एक बहुत ही फन सेगमेंट हमारा, एंड आई एम गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ आंसर्स। अगर अवेंजर्स बनानी होती राजस्थान रॉयल्स वर्जन, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनके लिए कास्टिंग करनी है हमने। आयरन मैन का रोल कौन अदा करेगा? आयरन मैन आई विल गो संजू। संजू? या आयरन मैन के लिए संजू? या थोड़ा सा अलग चॉइस है आपका, क्यों? क्योंकि ही इज द मेन लीडर। ओके, खुफिया दिमाग वही लगाते, बचाते वही है। ओके, नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका आई विल गो विद जोश पर। क्यों? वैसे स्मार्ट है, दिखते वैसे ही। ओके, थॉर। पावर है, हथौड़ा है, गुड लुक्स हैं। आई थिंक थॉर को मैं थोड़ा ऐश भाई बना दूंगा। और ऐश भाई क्या ऐसे पावर है उनके पास, वैसे दिमाग से इतना कंप्यूटर क्या चलता है हमारे। ओके, हल्क। हल्क मैं खुद को ही बना दूंगा, या कहीं तो खुद को मौका दे दूं। ओके, हॉकाई। किसका नाम नहीं लिया तो कोई पीटेगा मुझे, हेटमायर को बना दो। ओके, हेटमायर। एंड फाइनली स्पाइडरमैन, यंग चुलबुला बट आल्सो फुल पावर। आई थिंक जेस्पर। यशस्वी जेस्पर। ओके,